भारतीय महिला हॉकी टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार के छोटे से गांव रोशनाबाद की रहने वाली वंदना कटारिया ने मैच में 3 गोल दागकर इतिहास रच दिया। वे ओलंपिक मैच में गोल की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में उपस्थित आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसने अपराधों को थानों, जिलों और राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दी है। इससे निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नागबेरन तरसर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया है कि मारे गए आतंकियों में से एक जैश ए मोहम्मद का आतंकी लंबू है, जो पाकिस्तान का टॉप मोस्ट आतंकी था। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शनिवार रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देश के पूर्वी हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसमें पश्चिम की ओर झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार हैं। इससे इन राज्यों में वीकेंड में भारी बारिश होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड की सरकार ने स्कूल खोलने के फैसले को लेकर बदलाव किया है। नए फैसले के बाद अब 2 अगस्त से केवल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुलेंगे, जबकि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए भौतिक रूप से कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को 41,495 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 37,306 संक्रमित कोरोना से रिकवर हुए और 598 मरीजों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे संक्रमितों के आंकड़े देश में 3,573 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बीच बचाव राहत कार्यों के दौरान सीमा सड़क संगठन के 2 अधिकारियों की जान चली गई है। राज्य में राहत और बचाव अभियान के दौरान बीआरओ ने एक इंजीनियर और एक परियोजना अधिकारी को खो दिया है। जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों के 9वें दिन भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। तीरंदाजी में भारत की आखिरी उम्मीद माने जा रहे अतनु दास प्री क्वार्टर फाइनल मैच में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वहीं स्टार बॉक्सर अमित पंघाल को अपने पहले ही मैच में युवेरजेन रिवास के हाथों हार झेलनी पड़ी। एथलेटिक्स में कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रोमांच मैच में साउथ अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया।